मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 25 फरवरी को एक काफी दिल दहलाने वाली जो है घटना घाट के ऊपर के गैबनशा रोड के नारे नगर परिसर में हमें सुनने को मिलती है, जहां पर 13 वर्षीय लड़की जो है मदरसे से घर जा रही थी और उसी दौरान एक अज्ञात आरोपी बाइक पर आता है, लड़की को बहला फुसला कर किडनैपिंग करने की कोशिश करता है। हालांकि पूरी घटना की जानकारी के तौर पर हमने फैमिली से बात करने की कोशिश करी, लेकिन लड़की अंडर एज होने के कारण फैमिली आ नहीं पाई। और जैसे लड़की की बताएंगे पूरी घटना को यूसुफ भाई खुद, क्योंकि यूसुफ भाई पूरे घटना को लेकर के कंधे से कंधा मिलाकर उस फैमिली के साथ खड़े हुए थे जो लड़की के साथ ये पूरी वारदात घटी है। यूसुफ भाई यहाँ के चर्चित सोशल वर्कर भी है और काफ़ी समाज के हित में काम भी करते। बात करेंगे यूसुफ भाई उर्फ शेरा भाई से। शेरू भाई, जैसे जो 25 तारीख की जो पूरी घटना थी, ये पूरे परिसर को काफ़ी दिल दहला देती है कि एक बच्ची मदरसे से छूटकर घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक अज्ञात आरोपी आता है, उसे बहला फुसलाकर किडनैपिंग करने की कोशिश करता है। क्या बताएंगे पूरी घटना को लेकर के जानकारी और कैसे पुलिस ने जो है कार्रवाई करी? 4 दिन तक का घात लगा के बैठा था कि ऐसे गरीब मतलब कोई मिस्किन लड़की हो जो मजबूर हो, ऐसी लड़की को टारगेट किया जाए। तो उसने पहले ही पूरा मंसूबा बना के रखा था, उनके बाप से लेके, उनके परिवार से लेके, उनके कारोबार से लेके सबकी मतलब वो उसको जानकारी थी। फिर उन्होंने वो लड़की को रोक के ये पूछा, क्या आपका मतलब बाप का धागे का पार्सल आया हुआ है, ये रोड पूरा खोदा हुआ है, यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती है, आप रोड पे आ जाओ, वहाँ पे आपका सामान लेके चले जाओ। तो लड़की थोड़ा सन रह गई, तो उसको देख के, उसके मूवमेंट को देख के उसने, आरोपी ने उसको ये बोलता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फ़ोन लगा के मैं आपके बाप से, हाँ अब्बू से बात करा के दे देता हूँ मैं। तो अपने मोबाइल से ही किसी थर्ड पर्सन को फ़ोन पे बात कराता है, क्या आप लो आपके अब्बू से बात करो। तो अब्बू से बात करने के बाद वहाँ से वो अनजान आदमी बोलता है, क्या बेटा आपका मतलब वो धागे का पार्सल ले लो अंकल के साथ में जाके। तो इतना बोल के वो काट देता है फोन। तो लड़की बेझिझक मतलब कैसा उसके ऊपर विश्वास कर लेती है और उसके पीछे पीछे चले जाती है। फिर वहाँ पे रोड का जो काम दुरुस्त नहीं था, सब उबड़ खाबड़ था, इसीलिए वो सिंगल बाइक के ऊपर नीचे जा चले गया और ये बेचारी लड़की, ना समझ लड़की, उसके पीछे पीछे पैदल चले गई। और रोड पे जाने के बाद उसको पिकअप करता है, रोड से पिकअप करता है, और पिकअप करने के बाद वो आज़ाद नगर जैसे इलाके में लेके जाता है लड़की को। और उसको पेशाब आने के वजह से वो शौचालय के तरफ रुकता है, आरोपी लड़की को लेके वहीं पर रुकता है, वहीं अपना हेलमेट उतारता है, उसका जो शर्मनाक चेहरा है वो सामने दिखा CCTV कैमरा में, और वो शौचालय के तरफ रुक लेता है अपना, उसके पीछे पीछे लड़की भी चली जाती है। उसको मालूम नहीं ये शौचालय के पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, या मेरे धागा का मतलब पार्सल देने जा रहा है। तो वो देखते तो वो शौचालय को जाता है, वो पेशाब करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद ही वो गली के पास खड़े रहती है। और वो शौचालय में जाने के बाद मतलब जैसे ही उतरता है, वो लड़की का हाथ पकड़ता है, बोले चलो आगे ही जाना है, आगे ही जाना है, आपका पार्सल मतलब उधर ही पे रुका। तो लड़की सन रह जाती है 2 से 3 मिनट में, ये मैं अलग एरिया में आ गई, मुझे पार्सल मुझे मेरा मिला नहीं, हाँ और ये क्या हो रहा है। तो वो ऐसा उसको महसूस होता है कि ये नहीं, ये गलत हो रहा है। तो वो थोड़ा हटने में लगती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ के घिसता है, क्या बेटा इधर ही जाने का, क्यों जिद कर रही, इधर ही जाना है। तो वो मूवमेंट ऐसा करती है कि उसका हाथ को दांत से काटते हुए वो अंदर गली की तरफ भागती, क्या कोई मुझे बचाए वहाँ से, और चिल्लाती चीखती है ही नहीं, बेगर चिल्लाए वो घर गली की तरफ जाती है। वो गली में जाने के बाद फिर वो देखती कि उसका रुख वापस वो मैदान में आ गया, समझ में। वहाँ से आते आते बेचारी वो घर के तरफ मतलब ढूंढते हुए जाती है, क्या मैं कहाँ आ गई, कहाँ आ गई। तो लड़का जो आरोपी है वो उसके पीछे फिर जाता है वो मनाने के लिए, लेकिन 1 से 1.5 मिनट का मतलब वो मोमेंट रहता है, वो लड़की को वहीं छोड़ के वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है, वैसे ही रिटर्न वापस चले जाता है, फरार हो जाता है।
और उसके बाद जो लड़की सहमी डरी हुई घर पे आती है, कैसे बताती है घर में और किस तरीके से पुलिस स्टेशन जाते हैं आप लेके? ये घटना घटी थी 25 तारीख को, 25 फरवरी 2021, और उसके बाप को सेकंड डे मालूम पड़ा। लड़की घबरा घबरा के कैसा कैसा करके उसने बताई कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हादसा हुआ था। तो बाप को जब ये चीज़ गलत लगती है तो वो चौकी जाते हैं अपनी मदद के लिए, क्या मुझे चौकी से मदद मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। वहाँ जाते तो वहाँ पे जो PSI प्रवीण राठौड़ है, उनके वो ड्यूटी ऑन ड्यूटी ऑफिसर होते हैं वो टाइम पे, उनके पास जाते तो वो ऑफिसर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बजाय उनको बोलता है कि हमारे पास सबूत नहीं है आपके पास, वो नाबालिग लड़की है और वो अपने मर्जी से भी तो जा सकती है, ऐसा बोल के मतलब उनको बोलता है कि बाइक का फोटो लेके आओ, नंबर लेके आओ और मिसगाइड करके उनको भेज देता है रिटर्न, कोई कंप्लेंट नहीं होती है। फिर उन्होंने बेचारे ने मतलब जहाँ जहाँ लड़की स्पॉट बताई मैं ये जगह पे मतलब जा गई, तो वहाँ CCTV कैमरा जहाँ होने की वजह से आज बहुत ही मतलब कैसा को एक मदद मिली है कानून को, क्या ये ऐसे घिनौने चेहरे जो नाबालिग ना समझ नाबालिग बच्चे लोगों को टारगेट करते हैं कहीं भी लेके जाके, या वो हो सकता है किडनी रैकेट हो या कोई रेपिस्ट हो जो ये ऐसे मंसूबे को मतलब लेके चलते हो, ये कहीं भी जाके मतलब कैसा रेप करके ग्रुप हो उनका, इनके पीछे कौन है, ये सब की बहुत ही गहराई वाली बात है और ये हमारे मोहल्ले के लिए बहुत ही दर्दनाक वाली बात है। ये किसी के भी साथ में मतलब ये हादसा हो सकता है। ये लॉकडाउन के जरिए से मतलब स्कूल प्रशासन सब बंद है और बच्चे सब ज़्यादातर करके घर में ही हैं और खेलने कूदने के वजह से मतलब ये एक स्लम झोपड़पट्टी इलाके में बाहर आके खेलते हैं, तो ऐसे घिनौने आरोपी लोग जो कोई बच्चे महफूज नहीं समझता हूँ मैं, इसीलिए मैंने इनकी मदद के लिए मैं पहले आया। अच्छा, जिस तरीके से घाटकोपर पुलिस स्टेशन का रवैया रहा है, ये सारे जो वारदात आपने बताई है काफ़ी गंभीर से सोचने वाला विषय है कि इतने जो आपने बताया स्लम्स एरिया होने के बावजूद जो पेट्रोलिंग है वो नहीं होती है, नशे का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे एक विशेष टिप्पणी जो आला अधिकारी इस वीडियो को देख रहे उन तक क्या मैसेज रहेगा घाटकोपर पुलिस स्टेशन को लेकर? अभी जहाँ तक देखा जाएगा तो जो भी इंसिडेंट होता है, हादसा होता है, वो नशे को लेके ही होता है। हमने आज तक का मतलब जितने भी केसेस देखे हैं, मारपीट, झगड़ा, लफड़ा, जो भी एक छोटे मोटे इंसिडेंट भी होते हैं, छीना छपटी जो भी इंसिडेंट है, वो सब नशों के ही वजह से होती है। नशा जब तक मतलब कहते हैं यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, वो जब तक का एरिया मोहल्ला हमारा महफूज नहीं होगा, और जितने भी क्राइम को अगर शह देने वाले ये नशों के कारोबार चलाने वाले ही है, और इनके पीछे कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कानून का भी हाथ है, जो सारी चीज़ की जानकारी होने के बावजूद भी इसको नरमी से मतलब पेश आते हैं, हाँ इनके ऊपर सख्ती कार्रवाई नहीं होती है, हाँ और जो मतलब ऐसा नशा करने वाले लोग को उनको ही NDPS में मतलब जमा कर दिया जाता है, और जो कारोबार कर रहा है उनको कोई कार्रवाई नहीं होती है, छोटी मोटी कार्रवाई हो करके मतलब छोड़ दिया जाता है, इसीलिए उनका मतलब दिल बड़ा है और पैसे है, पैसे से मतलब सारी चीज़ खरीदी जाती है, लेकिन उनको ये गलत फहमी है, कानून अंधा नहीं है। आप एक जिम्मेदार सोशल वर्कर हो, यहाँ पे आप क्या अपने तरफ से कदम उठाने वाले हो इस नशे को लेकर और जो ऐसी वारदात हो रही है इस सारे वारदात को लेकर? मैं तो सोचता हूँ सारे मतलब नशेखोर लोग को एक ही दिन ही साफ कर दूँ, क्योंकि ये नशों का कारोबार जो हो रहा है, आने वाली जो जनरेशन है वो जनरेशन को पूरी ख़त्म कर दे रही है, उनका फ्यूचर ख़त्म कर दे रही है, उनके माँ बाप परेशान, पूरा फैमिली परेशान, सब परेशान, ये नशे को लेके तो परेशानी हो रही है। मैंने कई मतलब मैंने इस ये चीज़ के खिलाफ़ आवाज़ उठाया, नशों के कारोबार में जाके जगह जगह पे लेके आके मार तोड़ के लेके आके मैं खुद जमा किया हूँ चौकी में, उनके ऊपर केस बनाए, लेकिन कैसे वो फिर मतलब छूट जाते फिर वही अपने रास्ता पकड़ लेते, लेकिन इनको जड़ से मतलब यहाँ से कैसे हटाया जाए और ये
महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्री से, मतलब मेरी एक ख्वाहिश है कि यह हमारा स्लम एरिया जो है एक सुख और अमन शांति से मतलब यहाँ के लोग जिए। जिस तरीके से पूरी घटना को इन्होंने अपने विस्तार से बताया ऑन कैमरा, और ये भी हम आपको बताते चले, ये जो पूरा घाट के ऊपर है ये नशे की मंडी जो है बन चुका है, और किस तरीके से आने वाले दिनों में यहाँ से जो घटनाएं निकल करके आ रही है ये अपने आप में सबसे बड़ा कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करने वाला विषय है कि ये जो छोटा सा परिसर है, स्लम्स एरिया है, ज़्यादा अगर संख्या में देखे नौजवान किस्म के लड़के जो है नशे के चक्कर में अपना कारोबार बर्बाद कर चुके हैं, अपने आप की लाइफ को बर्बाद कर चुके हैं। अब देखते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो जागरूक होती है, इनकी आंखें खुलती है और कैसे इन पर एक्शन लिया जाता है जो भी आरोपी है। बहरहाल ये इतना हादसा जो था वो रुक गया, लड़की भाग के आ गई। अगर ऐसे सब हादसात होते तो कितनी शर्मसार कर देने वाली बात थी। इस तरीके के मुंबई शहर में अगर घटनाएं हो रही है, जैसे वो सीरियल किलर भी हो सकता था या जो ग्रो होता है भीख मांगने वालों का, ये ग्रो में से भी हो सकता था, यानी आप सोच सकते हैं कि 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ वो क्या क्या कर सकता था आरोपी। अगर ये सारी बातों को लेकर के रोशनी नहीं डालते यूसुफ भाई तो ये क्या से क्या हो जाता। बहरहाल यही सवाल के साथ हम ख़त्म करेंगे कि घाट के ऊपर जो है वो कब तक नशे की मंडी बने रहेगा और कब जो है पुलिस इस पर संज्ञान तरीके से एक्शन लेगी, ये बहरहाल आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरेशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, घाट के ऊपर।